चलिए प्रिया मंगला, आप अपना वो निकालिए ना, उनको नोट्स भेजिए आपका, अब जो पढ़ा है जल्दी जल्दी नोट्स भेजिए, ठीक तो है? मैंने पीडीएफ शेयर कर रखी है जो एक बार फिर से भेजिए ना मेरे भेजा को, एक बार फिर से भेजिए ना मेरे को, एक बार फिर से भेजिए, ठीक है? एक बार फिर से भेजिए, जल्दी जल्दी हमको व्हाट्सअप करिए, ग्रुप में भी व्हाट्सअप कर दीजिए प्लीज, हम जल्दी एक जन को थोड़ा सा ओपन जल्दी जल्दी ग्रुप में भेजिए, मैं आपका लेते हैं। हाँ, पर आप लोग नोट्स बनाएंगे इस बार, हाँ? कुछ लेके तो अच्छा नहीं होगा, एवरीबॉडी विल मेक नोट्स। सर, यहाँ पे सबको रहना है ना? ओके, हाँ सबको रहना है, क्यों नहीं आप सर, लोगों ने भाई मतलब बहन का आई तरह वाज थिंकिंग है? सर, स्टैट ऑडिट बोला था ना हम, इसलिए मेरे को लगा आप डीटी अरे आईडीटी आप लिखे लोग भाई इसलिए। बहन है हम लोग का, हम लोग सारा सेशन अटेंड करेंगे, यस सर, आर्टिकल वाला भी करा देंगे आप लोग को अटेंड, गाइड करिएगा लोग को बैठ के। 2 बजे लेके आर्टिकल का, आर्टिकल में आ जाइएगा, गाइड करिएगा। हेलो, कहाँ पर है आप? ये कितना दिन तक चलेगा शादी आपका? आप डेली पढ़ाई करिए, पर हम जो बोल दिया ना, मेरे को देख लीजिए, अगर आप फंक्शन में मजा कर रहे हैं ना तो बाद में के बहुत दिक्कत आने वाला है, हमको बोल देते हैं। और आप ज्यादा खा लिया ना उधर में, आपका पेट खराब हो जाएगा एकदम, ठीक है? ज्यादा खाइएगा मत। और अभी ना वेट के मेटलिटी अजर्जन इंडेस जो है ना, आप पढ़ते रहिए नोट्स वे लेके, हाँ टाइम पास मत करिए एकदम भी, हमको चाहिए, ठीक है? ओके जी, ठीक है ठीक है। और हमको लिखिए मत प्लीज, रिकॉर्ड ऑल द सेशन, कुछ नहीं मिलेगा आपको आने से। हाँ पढ़िए पढ़िए, ठीक है? ओके एकदम, चल चल प्रिया मंगला, ठीक है? आपसे शुरू करते हैं। ग्रैंड सरप्राइजिंग का बनाया ना, गुड, ओके ओके। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ प्रिया मंगला। माई सेल्फ प्रिया मंगला, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन अ रेगुलर स्ट्रीम। आई हैव अ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन स्टैचुअरी ऑडिट पोस्ट आर्टिकलशिप फ्रॉम हरिभक्ति एंड कंपनी। मेनी डेयर्स ऑफ द वर्क डन देयर आर दी परचेजेस, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स। ऑल्सो आई हैव डन सम एरियाज ऑफ द टैक्स ऑडिट, दोज आर टीडीएस एंड द जीएसटी। I have done my articleship from Sanjay Deep and Associates, where I have worked in the direct taxation, filing of the RO, returns of income, tax audit. Also, I have done the ROC compliances, director's appointment, auditor's appointment, company incorporation, filing of the GST return. यहाँ पर मैंने गीता नहीं सुना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर थोड़ा टॉकिंग और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका आंसर, ठीक है। समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गए है तो इसमें ना? क्या दिस इज चेंज वेरी करना थोड़ा? इंपॉर्टेंट। हाँ जी, आपको 1.5 मिनट के अंदर में आंसर बताना है अपना ये चीज को, ठीक है। ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट ना, एक सेकेंड, ये लिंक हम भेज देते हैं। लिंक, 1 मिनट को लिंक का नहीं गया, ये आंसर कब शॉर्ट एंड प्रिसाइज बोलिए, ठीक है? हाँ तो ये मैं क्या बोला कि हो गया आपका टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो जो भी प्रोफाइल है आप ट्रांसफर प्राइसिंग का है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग का उसमें शब्द आना चाहिए आपका, ठीक है? कि माय नेम इज दिस, आई हैव डन आर्टिकल्स फ्रॉम स्विस, माय मेजर एक्सपीरियंस वाज इन दिस डोमेन ओनली, बट आई हैव डन दिस एंड दिस एंड बट मेरा दिस। ट्रांसफर प्राइसिंग में तो है नहीं ना। टैक्सेशन में तो है ना आपका, हाँ हाँ हाँ
टैक्सेशन का बनेगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन का मेरा डोमेन था। आई वांट टू ज्वाइन योर कंपनी इन दिस प्रोफाइल फॉर सो एंड सो रीजन, एंड डू लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यू लाइक टू नो फ्रॉम मी। ठीक है, बोलिए फिर से, ओके फिर से बोलिए, सॉरी, फिर से बोलिए आंसर। माय सेल्फ प्रिया मंगला, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद हरियाणा, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन अ रेगुलर स्ट्रीम, आई हैव वन आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट टैक्सेशन डोमेन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन डोमेन, ऑल्सो इन द टैक्स ऑडिट, आई हैव ऑल्सो डन दी आरओसी कंप्लायंस एंड द ऑडिट रिपोर्ट, आई वांट टू आई एम एन सॉरी आई एम इंटरेस्टेड इन द ट्रांसफर प्राइसिंग डोमेन, सो आई वांट टू ज्वाइन योर कंपनी, थोड़ा भी इसमें ऐड करना पड़ेगा अभी मेरे को। समझ गए ना? क्या हाँ बोलोगे? नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, क्या बोलना है? हाँ हाँ वही ऐसे याद नहीं आता लिख रही जल्दी थी से। मैं भी। हाँ, नोट्स बनाइए, क्या बोलना है। ठीक है, चलिए। पर ये हम सबका नहीं करवाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। ये कोई वो नहीं है कि इसको मिला मेरे को नहीं मिला, दिस इज कॉमन, इसलिए हम ले रहे हैं ये टॉपिक। समझ में आया ना? इसलिए व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग इज द प्राइस एट विच द एंटरप्राइजेस ट्रांसफर्स द टेंजिबल गुड्स इंटेंजिबल और प्रोवाइड सर्विसेज टू एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। व्हाट इज एसोसिएट एंटरप्राइज? एसोसिएटेड देयर आर 14 वेरिफिक बाइफरकेशन अकॉर्डिंग टू व्हिच वी सॉरी एक वर्ड नहीं आ रहा याद। तो 6 घंटा पढ़े थे। ठीक मतलब मेरे को वो है वो वर्ड याद नहीं आ रहा कि मतलब कैसे बोलना कि हम उनको एक कंडीशंस और सेकंड है। क्राइटेरिया। हाँ देयर आर सम कंडीशंस फॉर द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। आप लोगों को पता है ना, बहुत जगह एक ही मॉक इंटरव्यू होता है, वो भी 30 मिनट्स का होता है, हाँ और सर्टिफिकेट दे देता है, ये ले लीजिए। समझ रहे हैं देयर ना आर मेरा सम बात? कंडीशन फॉर द एसोसिएटेड तो सीरियस होके एंटरप्राइजेस। एकदम बोलिए। हाँ ठीक है ना, एक दे दिया आपका 30 मिनट्स का, और सर्टिफिकेट पकड़ा दिए, ले लीजिए, इसको लगा दीजिए पोस्टर हर जगह। वैसे काम नहीं हो रहा है सर में, और ये एकदम स्ट्रांगली पढ़िए, मेरे को चाहिए एकदम मेहनत। एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होता है बताइए? एसोसिएटेड एंटरप्राइज रेफर्स टू द फर्स्ट वन एंटरप्राइजेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट्स और वन और थ्रू और वन और मोर इंटरमीडिएटरीज इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइजेस और द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस और इन द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेस और एनी वन पर्सन होल्ड पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएटरीज द कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल मैनेजमेंट और द कैपिटल ऑफ द इन टू ईच ऑफ द डिफरेंट एंटरप्राइजेस। There are more conditions for the associated enterprises also. If you want to know, I can explain. हाँ बताइए। An enterprises which holds 26% or more of the voting power in the other enterprises. Fourth condition is the any person of the enterprises holds 26% or more of the voting power in the other enterprises. Fifth one is the one any One enterprises appoints more than majority of the board of the directors or the members of the other enterprises of the governing body or one or more of the executive directors or the members of the other enterprises of the governing body. ओके 90% or more of the raw material is depends on the other enterprises and the prices are influenced by the inflected by the other आपने नोट्स बनाई है? enterprises. नोट्स 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 बना रहे हैं ना? मेरे को बोलना नहीं पड़े नोट्स। आई एम नॉट मेकिंग नोट्स। निशा अग्रवाल, जितना हो गया क्वेश्चन का नोट्स बनाइए। ठीक है, वेरी Yes, sir. इंपॉर्टेंट ना। One enterprises gives the borrowings of the 51% of the 51% or more of the total assets of the book value of the other enterprises, or one enterprises provides the guarantee of the 10% or more of the borrowings of the other enterprise. What are the methods of computing ALP? Methods of computing ALP. There are the five methods. Transaction-based methods are the three: comparable uncontrolled price method, resale price method, and the cost-plus method. And profit-based methods are the profit split-up and the transaction-led margin method. What is CUP method?
कप मेथड इज यूज वेयर दिस सिमिलर ट्रांजेक्शन आर डन बिटवीन द अनरिलेटेड पार्टीज। कैन यू बी मोर एलैबोरेट दिस? लाइक एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज अ सब्सिडरी इन इंडिया एबीसी लिमिटेड, इट सप्लाइज गुड्स टू द एबीसी लिमिटेड फॉर 11,000 रुपीज। ऑल्सो इट सप्लाइज सेम गुड्स टू द अनरिलेटेड पार्टी दैट इज फॉर 10,000 रुपीज। सो इट शोइंग द मोर कॉस्ट टू द मोर कॉस्ट सो दैट इट कैन रिड्यूस द प्रॉफिट सो दैट इट हैज टू पे लेस टैक्स। सो What वी is the हैव टू due टेक द date प्राइस of ऑफ द TP report? What is the due date of TP report? 31st, 30th November, सॉरी रिपोर्ट एंड द इंफॉर्मेशन 31st What are the अक्टूबर powers of AO to determine ALP? व्हेन द ट्रांसफर प्राइस इज नॉट डिटरमाइन एज पर द मेथड्स, व्हेन द एसएससी हैज नॉट मेंटेन द इंफॉर्मेशन, व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन व्हेन आस्क्ड बाय द एओ, और व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलायबली करेक्ट देन एओ कैन डिटरमाइन द एएलपी। Why you want to join transfer pricing? ट्रांसफर प्राइसिंग इज एन इंटरनेशनली प्रोफेशन विद द इंक्रीज इन द एमएनसीज एंड द इंटरनेशनल ट्रांसफर इट वॉज ग्रोइंग ग्लोबली, इट हैज ड्यू टू डायनेमिक नेचर इट गिव्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ एंड द लर्निंग, दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन। एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एनालिटिकल स्किल्स टू फाइंड लाइक द वाई दीज टू एंटरप्राइज आर टू एसोसिएट। इसमें थोड़ा करना है मेरे को बिहेवियरल क्वेश्चन में। लिखते जाइए सब। हाँ, व्हाट इज आर्म लेंथ प्राइस? आर्म लेंथ आर्म लेंथ प्राइस प्राइस इज द प्राइस ऑफ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन द एसोसिएटेड एंटरप्राइज दैट वुड बी प्राइस इफ सेम ट्रांजेक्शन इज डन बिटवीन द इंडिपेंडेंट कंपेरेबल एंड रिलेटेड पार्टीज। Why are the OECD guidelines important? OECD guidelines are important because it gives the like why transfer pricing comes, how we can use ये वाला करना पड़ेगा मेरे को। Explain international transaction under section 92B. इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इज द ट्रांजेक्शन डन बिटवीन द टू और मोर एंटरप्राइजेस इधर और बोथ ऑफ देम आर नॉन रेजिडेंट फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ द टेंजिबल प्रॉपर्टीज इन टेंजिबल प्रॉपर्टीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं है और आप लोग का टेंशन कहाँ पर रहता है? कैंपस का फॉर्म, रिज्यूमे, नौकरी प्रोफाइल, अप्लाई। मेरा दोस्त ने 50 जगह अप्लाई कर लिया, मैंने तो एक जगह भी नहीं अप्लाई किया। पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे होगा? ये पढ़ाई हो रहा नहीं है जी। टेस्ट बी मच मोर बेटर, ठीक है? डिफिकल्ट ओके, हो जाएगा नहीं तो। व्हाट आर सेफ हार्बर रूल्स? सेफ हार्बर रूल्स आर व्हेन दी सेफ हार्बर रूल्स करना ही वाला ये रहता है मेरा। What is permanent establishment? What is permanent establishment? ठीक है। पढ़ा था ये मैंने, वो भूल सर, गई। What is BEPS? बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान What is वेयर दी functional asset कंपनी and शुड risk analysis? What is functional asset and risk analysis? ये वाला पॉइंट है। What is dividend stripping and bonus stripping? What is slump sale? इनका इंटरनेट ही हैंग हो गया।
ऐसे ही होता है, पढ़ना पड़ेगा, कोई भी प्रोफाइल में जाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। इनका इंटरनेट खराब है कि मेरा इंटरनेट खराब है? मेरा तो ठीक ही चल रहा है। आप लोगों को कुछ नहीं आ रहा था राइट? और क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि बढ़ते नहीं है। कब पड़ेंगे इंटरव्यू का कॉल आने के? 24 आवर्स के अंदर में, विद इन 24 आवर्स आपको दे सब कुछ याद हो जाएगा हम लोग। नहीं, ये प्रोफाइल में तो जाना ही नहीं है ना हमको, हमको जाना नहीं, इसलिए नहीं पड़े हमने। वी डोंट वांट टू गो देयर, दैट्स इट। सर सर टीपी हाँ की प्रोफाइल टारगेट करने के लिए कैसा रिज्यूमे बनाना चाहिए? तो टीपी का ज्ञान लिखना है आपको, पूरा टीपी का ज्ञान लिख नहीं दीजिए। करा है हाँ, मैंने वैसे टीपी, पर तो इंटरनल मेरा टीपी मेन रिपोर्ट, स्टार्ट में टीपी था। रिपोर्ट, टीपी अपडेट, टीपी ऑडिट, टीपी टीपी खेल लीजिए पूरा। टीपी भी लिखिए, वैसे इंटरनेशनल वर्क लाइफ टैक्सेशन बैलेंस का के हिसाब से ज्ञान। कैसी है प्रोफाइल? हाँ, अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से कैसी है प्रोफाइल? वर्क लाइफ बैलेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है। ठीक है सर। नीस प्रोफाइल है इसमें, मतलब यही काम करना है तो ये प्रोफाइल ठीक है। मतलब टीपी विदेश विदेश जाने का भी मौका मिलता है। ठीक है, जाइए टीपी में, जाइए हम लोग का नाम रोशन करिए, फिर हम लोग से टेस्टिमोनियल करिए टीपी जाके। टीपी पढ़िए, टीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या है, और सब पढ़िए ये सब चीज। व्हाट इज रूल 6DD, पता है? लिख लीजिए, व्हाट इज रूल 6DD। कैश पेमेंट्स 10,000। ये सब पूछता है लोग, व्हाट इज रूल्स। ये सब चीज करिए जी, ये सब कुछ पूछेगा ये लोग। आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने से तो हो जाएगा सब काम, नहीं पढ़ने से बहुत दिक्कत है। ठीक है, एक एक दिन एक एक सब्जेक्ट को पकड़ के पूरा खत्म करिए। मतलब 10-12 दिन जैसे आपने सीए फाइनल में पढ़ा था वैसे करके ये सब कंप्लीट करना है। ठीक है, ये काम करता है। अब आप लोग लंच कर लीजिए, ठीक है? आज हम देखते हैं, होगा तो 5 बजे एक बार और ले लेगा। कौन सा टॉपिक ले बताइए, टैक्सेशन हो गया, क्या ले टॉपिक आप लोग का, क्या ले? वही ले सर, ये ले। डायरेक्ट टैक्स और इंटरनेशनल टैक्सेशन दोनों के लिए? सर, ये क्वेश्चन हाँ थे हाँ जो ये अभी सब। हाँ आपने बताया। हाँ हाँ डायरेक्ट टैक्स का पूरा और बुक सर, ये पढ़िए। सब हाँ माय सभी वाईफाई पढ़ना गॉट पड़ेगा सर, डिसकनेक्टेड। जैसे असेसमेंट और ये सब। आपको पूछ लिया वो सब, ये रूल 6DD आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा प्रिया मंगला अब यहाँ से, दैट इज सर, चीज। असेसमेंट भी पढ़ना पड़ेगा ना सर, असेसमेंट अपील और ये सब। पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को पकड़ पकड़ के पढ़िए। और अगर आर्टिकल शिप में टैक्सेशन किया है तभी पढ़िए, मतलब फिर तो डीप जाएगा ये लोग। आर्टिकल शिप में भी आपका आर्टिकल शिप में डीप जाएगा थोड़ा, क्या क्लाइंट किया क्या नहीं किया, दे विल गो डीप, डीप जाने वाला है आपका एकदम इंटरेस्ट है तभी। मतलब होता है यस ना कि सब कुछ पढ़ने का कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप पहले फिगर आउट करिए, स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ये एक एक करके खत्म करते जाइए। मतलब स्टेट हो गया, फिर इंटरनल हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे करके फिगर आउट करके खत्म करते जाइए। इनका एकदम इसमें ही जाने का मन है टीपी में, तब पढ़ रही है। पर हमको इनको भी बोल दिया कि तुम टीपी के लिए पढ़ रहे हो तो कल टीपी में भी रिलाई मत करो, स्टेट इंटरनल पढ़ो। मान के चलो वैकेंसी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, राइट? गॉट माई पॉइंट ना प्रिया? यस सर, पढ़ना यस सब सर, चीज है, पढ़ना सब कुछ है, फिर ऊपर वाला देखेगा आपको कहाँ भेजेगा, राइट? पढ़ना सब चीज है, ओके राइट? सर। कई बार क्वेश्चंस जैसे हम आंसर दे रहे हैं, जैसे अभी प्रिया ने बोला ये जहाँ पे 50% मोर देन डायरेक्ट कर सकते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये क्या होता है, आप एक्सप्लेन करें, मे बी इसमें छोटा कोई पॉइंट, तो ये सब बातें भी ध्यान रखनी चाहिए हमें। फिर से बोलिए। जैसे कि अभी वो आंसर बता रही थी ना एसोसिएट एंटरप्राइज का, तो उसमें था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 50% से ज्यादा अपॉइंट कर सकते जो करते हैं, तो वहां पर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जनरली कि इतनी नॉलेज है, ऐसा कर इतना सकते रब हैं। नहीं जाएगा, एसोसिएट एंटरप्राइज ज्यादा करके पूछता है तो वो करने से तो हो जाएगा आपका एसोसिएट नहीं एंटरप्राइज। मतलब नॉलेज की मतलब पता ही है, या फिर बस याद करके आई है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में भी कुछ पूछ लिया एज सच, कंपनी लॉ से रिलेटेड कर सकते हैं वो, नहीं, मतलब यूजुअली कर। एसोसिएट एंटरप्राइजेस से जाकर पूछेगा, फिर उसका टीपी रिपोर्ट, टीपी ऑडिट, वो सब चीज, फिर ओएसीडी गाइडलाइंस। टीपी चैप्टर अच्छे से करने से मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छा से हो जाता है, ठीक है? पढ़िए, ठीक है? तो मेन थिंग क्या है ना, पढ़ना जरूरी है, और पढ़ के हम तो है ही, पढ़ेंगे नहीं तो कैसे होगा?
आप सोचो कि आप लोग फालतू टेंशन लेते रहेंगे, ऑफिस भी जाना जरूरी है, बीमार होना भी जरूरी है, शादी का जाना भी जरूरी है, भाई का शादी भी जरूरी है, सब की जरूरी है, तो कैसे होगा? द ओनली वे टू बीट कॉम्पिटिशन इज स्टडिंग। देर आर 12,000 CAs, राइट? सबको जॉब नहीं मिलेगा, सबको नहीं मिलने वाला जॉब, उसमें से 50% प्रैक्टिस में जाएगा बाई नॉट चॉइस, बाई डिफॉल्ट, समझे? ज्यादा करके लड़काओं की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पढ़ता तो है नहीं पहले। देखिए, पहले प्रैक्टिस आप ही नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिस बाद में चल जाएंगे, इट्स सिंपल एज दैट। इफ यू डोंट प्रैक्टिस नाउ, यू विल गो टू प्रैक्टिस ओनली लेटर। अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, बाद में प्रैक्टिस में चल जाएंगे। ये भी चीज देख लीजिएगा। भाई डिफॉल्ट होता है ये सब चीज, ये चीज हम देखे है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है एक्चुअली, सबको नहीं मिलता जॉब, मार्केट में जॉब कम है और पढ़ने वाला बच्चा कम है, तो ऐसे नहीं मिलेगा, पढ़ेंगे तभी होगा। तो टेंशन लेंगे ना, टेंशन क्या चीज का रहता है? मेरा रेज्यूमे का फॉर्मेट ठीक नहीं है, कॉल नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है इसका, मेरा फ्रेंड का 10 कॉल आ गया और मेरा एक कॉल नहीं आ रहा है। भाई लक भी होता है कोई चीज, यू के नॉट ओवर राइड लक, कोई की उसका कोई कोई का लक बहुत अच्छा होता है, वो माता देवी का शक्ति लेके आया, उसका कॉल आ रहा है, कॉल से मतलब नहीं है, तुम्हारा कॉल तुम्हारा भी आ जाएगा। तुम्हारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि तुम 6 7 10 घंटा पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, यू गेट माई पॉइंट ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कॉल सबका आएगा, उसका उसका 6 कॉल आ गया, मेरा नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? कौन नौकरी तो एक ही पकड़ना है, नौकरी तो एक ही लेगा, वो भी तुम ही रहेगा, कॉल को लेके टेंशन मत लीजिए, और कॉल जल्दी आने से और नुकसान है, जल्दी जल्दी रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या, केला खत्म उसका। लेट से तो ठीक है, कॉल जितना लेट से होता ठीक है, तुम पढ़ लो उसके बाद कॉल आए तो ठीक है, पहले आगे से तुम क्या करेगा फिर? देखिए ये हम आप ही ना संडे तक है ना, पहले कोशिश ये करिए कि स्टेट इंटरनल ऑडिट कंप्लीट करिए, ठीक है? गार्गी अगर आप क्या क्या पढ़ लिया अभी बताइए तो मेरे को, गार्गी अगर का क्या क्या हो गया है? सर आपने जो पीडीएफ भेजे थे दो ऑडिट वाले, हाँ, उनमें से एक पीडीएफ पूरा कंप्लीट हो गया है प्रोसीजर वाला, और दूसरा चल रहा है। मेटलिटी अजर्शन वगैरह हो गया ना, हाँ एरियाज, हाँ एरियाज बहुत जरूरी हाँ है, ठीक है? सूर्यास्त का प्रोसीजर, जो प्ले, प्रोसीजरल एरियाज हैं कि इन्वेंटरी हाँ वगैरह कैसे कैसे ऑडिट होना है, हाँ सब हो गया है, वो एक बार पी टू पी गो आठ थ्रू बार हो ओ गया टू है मेरा। सी, पी टू पी आठ बार ओ टू सी, सर इंटरनल का नहीं हुआ ज्यादा मेरा, अभी पी टू पी वो वगैरह करिए। सुरभि स्टैट मित्तल का हो आपका, गया है सुरभि मित्तल सर। आपका, सर मेरा स्टेटटरी ऑडिट का सर क्वेश्चंस हुआ है सब, जैसे मैटेरिटी परफॉर्मेंस, मैटेरिटी असर्शन सर, ये सब कंप्लीट हो गया है। और सर डीटी में सर मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग, एसोसिएट इंटरप्राइज, एनआर सर असेसमेंट का थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है? हम एक बात बता देते हैं, बहुत जन तो सीरियस नहीं लेता इस चीज को, पर देखिए जब आप सीए फाइनल का एग्जाम देता है ना, तो आपको पता है आपको 800 में से 400 मिल गया तो पास हो गया, करेक्ट? पता है सबको, राइट? यस सर, अभी सीए कितना निकलता है? 12-13 हजार, राइट? कंपटीशन भी भयंकर है, जॉब लिमिटेड है, पता भी नहीं कब कॉल आएगा, आएगा भी नहीं वो भी पता नहीं ओके है। आएगा तो सबके पास, ठीक है, पर धीरे तो आएगा तो है, ये तो है, इसका ले लीजिए, उसका नहीं, हम लोग है फिर। पर द थिंग इज दैट, ओके, अब आप लोग टेंशन लेके नहीं पड़ेगा तो टिकट क्लोज है आप लोग का, यस वहां पर तो 50% लाने से भी पास हो जाता है, यहाँ पर तो आपको 90% सही होने से पास होगा, नहीं तो बोल देगा विल गेट बैक टू यू, क्योंकि वो देख रहा है कि 10 10 CA का ले रहा है आपके साथ ट्रांसफर प्राइसिंग में, वो देखा 10 में से 7 को अच्छा से आता है, 3 को नहीं आता है, विल गेट बैक टू यू, और गेट बैक टू ऐसा करेगा कि 6 महीने तो तुम आ नहीं सकते है उसके पास, और ही चार ही बिग फोर घुमा फिरा कर, और दो चार जीटी है, बीडीओ है, और दो टॉप 20 CA फर्म है, तो तुम समझ रहे ना, और सारा बिग फोर से आएगा कॉल, वो भी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई कर्म करके नहीं रखा है, कोई चार ही बहुत कम होता है, रेयर केसेस में होता है कि चार चार बिग फोर का कॉल आ गया 6 महीना के अंदर में, ये भी बता देते हैं कि एक वीक चला गया तो चार, तीन तो बाकी है, 3 से तो लिया है कि कॉल नहीं आया, तो कॉल क्या कर लेंगे, नहीं आया तो क्या कर लेंगे, और 6 महीना बाद क्या होगा बताइए? 6 महीना बाद पूछेगा एचआर कि आपने 6 महीना क्या किया, बोले क्या मैरिज में गए थे, फैमिली ट्रिप गए थे, ये सब तो नहीं बोल सकते उसको, ये हो गया था वो हो गया था, उसको क्या लगेगा, उसको क्या लगेगा, एचआर को क्या लगेगा कि आप सीरियस नहीं है, इंटरव्यू नहीं दिया, हम डरा रहे नहीं, यही होने वाला है, अगर आप यहाँ पे पढ़ लिए ना तो काम हो जाएगा, बस कितना पढ़ना है,
कितना घंटा पढ़ना है डेली का? 4 घंटा, 4 से 5 घंटा। मिनिमम मिनिमम है 4 घंटा। यस मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर? मैं मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। यस जैसे सीए फाइनल में पढ़े है ना, सीए फाइनल में जितना पढ़े ना यहाँ पर उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको, बता देता है पास होने के लिए। भोजन ये चीज को नहीं समझता है, हम ये कर चुके इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एरी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा पास होने के लिए, चाहे कोई भी प्रोफाइल हो। टैक्सेशन वाला प्रोफाइल में तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है, याद रखिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो चीज है ना, ये अंदर अंदर जाएगा। केस लॉ क्या पूछ लेगा वो? केस लॉ पूछेगा वो इनडायरेक्ट टैक्स में, कि जो केस लॉ है वो केस लॉ के अंदर जाके पूछे बताइए क्या है। ऊपर ऊपर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। रिफंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जी जो हम लोग को लग रहा है ना, जो फीलिंग अंदर से कि तो ले लेगा, फॉर्मेलिटी के लिए ले रहा है इंटरव्यू, ऐसा फीलिंग आता है। मेरे को भी आया था। ये वाला बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है। पढ़ना पड़ेगा एकदम, और एकदम इजी है पढ़ना, डिफिकल्ट नहीं है। अभी अभी आप लोग फॉर्म में भी है, यू आर इन द फॉर्म, भी एग्जाम दे क्या है, फॉर्म है आप लोग का, 2 महीने ही हुआ है। सीए स्टूडेंट बन जाइए, वो सीए स्टूडेंट वाला मोड आ जाना चाहिए कि हमको पढ़ना है, यू हैव टू पढ़ना है। और ये मत सोचे कि मतलब कौन सा डोमेन जाए, अभी पढ़िए, ऑफर लेटर लाइए, और उसके सोचिए कि जाना है कि नहीं जाना है। फर्स्ट गेट द ऑफर लेटर ना, फर्स्ट हैव द कैपेसिटी, हैव द केपेबिलिटी टू ब्रिंग दैट ऑफर लेटर टू यू, और फिर डिसाइड करिए जाना है कि नहीं जाना है। वो तो बात का बात है, लाइए तो सही। यू गेटिंग माई पॉइंट ना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फिर लेके तो आइए, पहले सोचने लगते जाना कहाँ पर है। ऐसे क्यों, वो तो बैठा है तुमको, वो बैठा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एचआर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी मैनेजमेंट कंसल्टिंग, कौन सा लेंगे मनीष बताइए, कौन सा लेंगे, विच वन विल टेक? ऐसे थोड़ी ना बैठा है। तुमको क्लियर करना पड़ेगा इंटरव्यू ऑफर में जाके, यू नीड टू क्लियर द इंटरव्यू, देन यू आर इन द पोजिशन टू डिसाइड विच वन टू टेक। हम तो ये नहीं समझ में आता है, लोगों को बोलता है विच करियर शुड आई चूज, करियर तुम चूज कर ही नहीं सकते है, दिस इज द हार्श ट्रूथ। तो करियर तुम चूज कर ही नहीं सकता है, एक्चुअली देखा जाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। यू चूज योर करियर, करियर एक्चुअली चूजेज यू, द प्रोफाइल एक्चुअली चूजेज यू। तुम जहां पर इंटरव्यू क्लियर करेगा, यू हैव टू गो देयर ओनली। क्या सूर्यांश सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? बोलना सर आज भी टाइम पास करता है, मैं कहाँ जाऊं सर, मैं इधर जाऊं उधर जाऊं। तुम इंटरव्यू क्लियर करेगा तब तो तुम जाएगा उधर, पहले इंटरव्यू तो क्लियर करो। नहीं वो तो हो जाएगा मेरा, कैसे हो जाएगा, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। नहीं हमारा चेहरा अच्छा है हमको ले लेगा, देखो मार्क्स अच्छा है हमको, 500 मार्क्स आया है, सर क्या करेगा वो? मेरा आर्टिकल सिर्फ अच्छा है तो क्या करेगा वो? अल्टीमेटली तुमको पढ़ना पड़ेगा ना उधर में। पवन समझ गए ना मेरा बात को, क्या चीज? यस अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस, ओके, आई हैव सीन पीपल, दे डोंट स्टडी, दे थिंक अबाउट व्हाट व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हिच प्रोफाइल टू चूज, बस स्टडी ना, स्टैट इंटरनल एवरीथिंग यू स्टडी, गेट द ऑफर लेटर, देन यू डिसाइड व्हाट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, बेटर ऑप्शन ना, कि आई हैव ऑल द फाइव फाइव लेटर्स, ऑफर लेटर्स, पापा डिसाइड व्हिच वन टू गो, बेटा यू गॉट ऑल द फाइव लेटर्स, यस आई गॉट, दैट इज अ बेटर ऑप्शन ना। निशा शर्मा आप समझ गए ना, निशा अग्रवाल, तो दैट इज अ स्टैट, आई एम फीलिंग द हार्श ट्रूथ, ओके। आप लोग पढ़ेगा नहीं, पहले डिसाइड कि कहाँ जाए, तो ये सोचते सोचते में दिन निकल जाएगा, और ये एक्चुअली प्रोफाइल चूज करने में तो साल निकल जाता है, दिन नहीं निकलता है, आदमी का साल निकल जाता है, और साल क्या नहीं सोचता है, विच प्रोफाइल टू गो, आई हैव सीए विद 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट विच करियर टू चूज। तो 1 साल अगर तुम्हारा लगा दिया और तुम जॉब नहीं लगा तो हमारे पर कितना सवाल उठेगा, तुमको पता है हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी अराइजिंग ऑन योर एचआर विल आस्क यू, ओके व्हाट यू डिड इन दिस 2 years, करियर ब्रेक आ जाएगा 6 months आफ्टर योर करियर ब्रेक विल स्टार्ट, करियर ब्रेक बोलता है उसको, करियर ब्रेक क्या होता है, करियर ब्रेक बताइए नेहा गुप्ता, व्हाट इज कॉल्ड करियर ब्रेक, करियर ब्रेक क्या होता है, क्या होता है करियर ब्रेक, आई डोंट नहीं पता करियर ब्रेक क्या होता है मनीष, यही प्रॉब्लम है, पता ही नहीं होता उज्जैन को करियर ब्रेक क्या होता है, क्या होता है करियर ब्रेक बताइए क्या होता है, सो व्हेन वी एग्जिट वन वन जॉब एंड वी डू नॉट गेट अनदर जॉब फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आप तो स्टार्ट ही नहीं किया ना ये बनने के, मान के चाहिए वो 6 महीने तक नहीं लगा, हाँ 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 तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे,
दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। ब्रेक आ गया ना आपका, आपका लगा वो पूछेगा कि व्हाट यू डिड इन द लास्ट 6 मंथ्स, और आप बोलोगे कि हेल्थ इश्यूज, वो इश्यूज, मैरिज, टेरेज, मैरिज, और क्या बोलेगे, फिटनेस हो गया, वो हो गया। एक्चुअली इशू ये नहीं था, एक्चुअली इशू था कि पढ़े नहीं थे, और उसको भी पता ही बात। ठीक है, तो इसकी के गलती मत करिए आप लोग। आप लोग पहले स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एफडीडी, जो भी अरंगा है ना, आप लोगों को डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली एफर्ट डालना पड़ेगा, चाहे आपका कोई भी काम हो। आई अंडरस्टैंड, ओके, एवरीबडी हैज देयर जॉब, ओके, दे माइट हैव समथिंग इंपॉर्टेंट, बट करियर से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू? यू हैव इन्वेस्टेड सो मच ऑफ टाइम, ओके, फॉर दिस डिग्री, राइट? यू हैव इन्वेस्टेड, मे बी समबडी हैज इन्वेस्टेड 5 ईयर्स मिनिमम, तो लगता ही है 5 ईयर्स, तो मिनिमम तो लग ही जाता है, 5 से तो नीचे होता नहीं है, ओके? कम दैट इज 9 ईयर्स, 8 ईयर्स गए, लाइक यू नीड अ जॉब, राइट? एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टडी लाइक हेल आउट हियर। यू कैन नॉट सिलेक्ट विच डोमेन टू चूज, एंड दिस इज द थिंग ना, वी कैन नॉट चूज थिंग्स, ओके, प्रोफाइल चूजेस अस, एंड फॉर दैट वी नीड टू स्टडी हार्ड एंड स्टडी लाइक मैड पीपल, एज सिंपल एज दैट, एंड क्लियर द इंटरव्यू एंड देन डिसाइड, फिर उससे डिसाइड करिए। आई एम टेलिंग यू, ओके, एक बार ऑफर लेटर आ जाएगा ना, फिर डिसाइड करिए कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, देन यू डिसाइड। आई एम टेलिंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच। हम प्रैक्टिकल बोल रहे कि नहीं, बताइए मनीष, प्रैक्टिकली बोल रहे कि नहीं? इट इज मच फॉर प्रैक्टिकल ना, पढ़ने में क्या जाता है, यस सर, इट इज प्रैक्टिकल अप्रोच। फर्स्ट स्टडी, गेट द थिंग्स डन, गेट द ऑफर लेटर, यू विल ऑल्सो फील कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरे पास ऑफर लेटर आया, देन यू डिसाइड कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, नॉट द पॉइंट ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एटलीस्ट यू शुड टारगेट 3 प्रोफाइल्स ऑलवेज, प्लीज रिमेंबर दिस, हाँ, यू शुड बी टारगेटिंग 3 प्रोफाइल्स, इट शुड नॉट हैपन दैट यू आर ओनली टारगेटिंग 1 प्रोफाइल। डाइवर्सिफिकेशन पढ़े ना फाइनेंस में, डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। यू शुड बी टारगेटिंग 3 प्रोफाइल्स, 3 टाइप्स ऑफ रेज्यूमे। जीवन में वो होगा ही नहीं जो आप चाहते हो, वो होगा जो आप नहीं चाहोगे एनी टाइम। व्हेन आई स्टार्टेड आई नेवर थॉट कि आई विल गेट इनटू जीएसटी और आई विल गेट इनटू रिस्क एडवाइजरी और आई गेट इनटू दिस, दैट गॉड विल डिसाइड फॉर यू। दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक 3 प्रोफाइल्स, यू कैन नॉट टेक कि मेरे को तो इसमें ही जाना है। मेनी पीपल आर लाइक दैट, कि वो बोलता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना है, भले मेरा 10 अटेम्प्ट क्यों ना हो जाए, मेरे को यही जाना है। मेरे को पिछला जन्म में कोई बोल दिया था कि मेरे ये प्रोफाइल मेरे लिए बना है, हम इसके लिए कुछ भी, हम इसमें जाएगा, अदरवाइज आई विल नॉट डू जॉब, आई विल सी टाइटल बट आई विल नॉट डू जॉब। इस लॉजिक नहीं चलेगा ना भाई, दिस इज नॉट द राइट लॉजिक टू, दिस नॉट द राइट वे टू फोकस, ओके? यू शुड बी थिंकिंग ऑफ 3 प्रोफाइल्स, और 3 प्रोफाइल्स क्या होना चाहिए पता है? 3 प्रोफाइल्स वो होना चाहिए जो रियलिस्टिक है, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, इट शुड बी रियलिस्टिक प्रोफाइल। ऐसा नहीं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड, सारे डिफिकल्ट प्रोफाइल है। तुम्हारा 6 अटेम्प्ट हो गया, तुम सारा डिफिकल्ट प्रोफाइल पढ़ लिया, कॉल आने का कोई चांसेस नहीं है, एंड स्टार्टअप जहां पर अभी फायरिंग हो रहा है। तो ऐसे नहीं होता डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड कि वहां पर आपका औकात है जाने का, यू हैव द एबिलिटी टू गो देयर, लाइक विद विच एबिलिटी, स्टेट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, यू कैन गेट इन टू योर ऑफर लेटर, लाइए जल्द से जल्द, यू गेट माई पॉइंट ना? तो ये चीज जरूरी है। तो आपको जैसे समझ में आ गया ना, प्रिया मंगला का काफी खराब जा रहा था, तो मेरे को ये कब तक चाहिए आपका? अच्छा, प्रिया मंगला टैक्सेशन कब तक बढ़िया से होगा? ये सर संडे ले लो, आज कितना तारीख है? आज थर्सडे है, ठीक है, संडे तक हमको ये पूरा स्ट्रॉन्ग चाहिए आपका, ये टैक्सेशन वाला चीज। हाँ, पढ़िए, आईना के सामने प्रैक्टिस करिए, कोई आपको बोले कि तू क्यों कर रही है प्रैक्टिस, तुम तो सीए बन गया, ऐसे भी बोलता है, ये भी प्रॉब्लम है थोड़ा सा, कि तुम तो सीए बन गई, अब क्यों नहीं, पढ़ यहाँ रही पर है? कोई ऐसा नहीं है, मेरे को मैं तो संडे बोलता है, को, मेरा सिस्टर हमको बोलता था, तुम तो सीए बन गया, अब क्यों पढ़ रहा है, तुम पगला हो गया क्या, अब तो पढ़ना पड़ेगा उल्टा, तुम सीए बन गया क्यों पढ़ रहा है, सीए बनने से पहले भी पढ़ता था, अभी पढ़ता है, तो क्या फायदा, अब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली में जो बोल रहा, नहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो गलती बोल रहा है तुमको पूरा बात, अब ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और आईना के सामने प्रैक्टिस करना है, ये करना है, यू हैव टू स्टडी लाइक, आपको जितना मेहनत आपने सीए फाइनल में किया ना, उससे ज्यादा मेहनत यहाँ पर करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं क्या है ना, आप बुक लेके बैठ नहीं सकता है, इंडेक्स लेके पूरा दिन नहीं बर्बाद कर सकता है, कि इंडेक्स 115 8 घंटा पढ़ता है, पूरा डिटेल में पढ़ेगा इंडेक्स 115, एक एक अंदर घुस जाएगा वो इंडेक्स 115 का, उसे नहीं पढ़ना है आपको, बस सब जगह से थोड़ा थोड़ा पढ़ के निकल जाना है। और पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ के क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे सौरभ, नोट्स नोट्स नोट्स, नोट्स 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 बना के क्या करेंगे, नोट्स बना के क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, डिवाइस डिवाइस कॉल दैट,
रिवाइज कैसे करेंगे? टीम्स 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 में रिवाइज कर लीजिए, दोस्त रख लीजिए, मनीष सौरभ कर सकता है, दोस्त दोस्त बना के करिए, पर प्रैक्टिस करिए, रीजन जरूरी है, खुद से करिए, अकेला करिए, पर प्रैक्टिस करिए, स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस चाहिए अवर में। और बाकी सब टाइम पास है, हम आपको बता रहे हैं ना, ये रेज्यूमे रेज्यूमे को लेकर कितना टाइम पास करता है आदमी, कैंपस इंटरव्यू, ये शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ, सबका कॉल आएगा, उन लोग को पता है, जो भी 5 साल का एक्सपीरियंस चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको पता है भाई, सीए फ्रेशर को रेज्यूमे कितना ही आएगा समझ में, मोटा मोटी हमने बना दिया, गुड टू गो। आदमी इसमें देखे टाइम बर्बाद कर, रेज्यूमे में तो आदमी मेरे हो जाता है, वो तो 10 दिन बर्बाद कर देता है, एक एक महीना बर्बाद कर देता है, रेज्यूमे में इतना टाइम थोड़ी ना बर्बाद करने का चीज है, पढ़ाई में टाइम बर्बाद करी इतना, मोटा मोटी बना लिए ठीक है ना, कॉल तो आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। आप देखिए, आपका कोई दोस्त होगा उसने एकदम बेकार रेज्यूमे बनाया, उसका भी कॉल आ जाता है, चेक करके देखिएगा, कभी कभी ट्राई मार के देखिएगा, अभी तो आप लोग नहीं है, तो कुछ नहीं बनाया फिर भी ले लिया, इसलिए मैं बोल हुआ रहा है हूँ ना, सर, हुआ है। हाँ तो इसमें ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने का दरकार है, आदमी इसमें भी टाइम बर्बाद करने लग जाता है, कॉल आना तो आ जाएगा, क्योंकि सीए फ्रेशर को पता है, लोग को नहीं आता, हम नाम देके सीए फ्रेशर है आ जाएगा, बाद में तो रेज्यूमे जाएगा, थोड़ा बहुत आपको कंटेंट में मैटर लगाना है, अगर स्टेट ऑडिट का तो स्टेट ऑडिट का ज्ञान लिखना है, इंटरनल ऑडिट है तो इंटरनल ऑडिट का ज्ञान लिखना है रेज्यूमे में, टैक्सेशन का है तो टैक्सेशन का ज्ञान लिखना है रेज्यूमे में, ऐसा नहीं होना चाहिए टैक्स का है और तुमने पूरा ऑडिट लिख दिया, तब तो तुम्हारा सिलेक्ट भी हो गया, तुम्हारा शॉर्टलिस्ट भी हो गया, तो तुमको और रिजेक्ट कर देगा सीधा, ये बोलेगा तुम्हारा तो भाई ऑडिट किया है, तुमने टैक्स किया ही नहीं है इसमें, और फाइनेंस का आएगा तो सब कुछ डाल दो, सब खत्म, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग डाल देना, फाइनेंस होगा तो प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग थोड़ा काम आता है, कि आपने फॉरकास्टिंग किया है, बजटिंग, फाइनेंस, वो ज्यादा प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, क्योंकि बहुत कम आर्टिकलशिप में काम होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वो डालने से तो इम्पैक्ट होता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। अब रिक्रूटर को बोलो ना कि जैसे कि हमने काम नहीं किया फाइनेंस में, तो वो फिर भी कहते कि हम ट्रेन कर देंगे, मतलब ऐसा वो बोलना ठीक है, शुरू किया फाइनेंस क्या? में कर देता है, फाइनेंस का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्टिकलशिप में फाइनेंस ही तो सबको पता है, पर आप मान के चलो तो टैक्सेशन का इंटरव्यू है और आप बोला कि हम आर्टिकलशिप में टैक्सेशन नहीं किया, तो क्यों लेगा वो तुमको, तो नहीं लेगा वो, तो उसको लेगा जिसको नहीं, आता है एक टैक्सेशन। दो रिक्रूटर से बात हुई थी तो मैंने बोला था, मतलब सही बात बोली थी कि स्मॉल फर्म था, हर तरीके के काम किए हैं, ऐसे पर्टिकुलर प्रोफाइल नहीं है, तो वो फिर भी एग्री हो गए थे कि हाँ, मतलब आप ऐसा चुनको, वैसा कुछ दिक्कत नहीं हुई थी पर रिक्रूटर को दिक्कत नहीं बाकी। आता है, एचआर को कोई दिक्कत नहीं आता है, जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है ना उसको स्मॉल फर्म मत बोलिएगा कभी भी, बोलेगा इट वाज अ मिड साइज फर्म, नहीं, हाँ डाइवर्स ओके, एक्सपोजर इट वाज, अपना स्मॉल स्मॉल मत बोलिएगा, खुद ही स्मॉल बोलेगा तो पैसा भी स्मॉल देगा फिर वो, मिड खुद ही साइज, मिड आपने साइज, खुद ही स्मॉल क्यों बोलोगे, खुद ही इट वॉज अ गुड फर्म, आई लर्न अ लॉट, और डाइवर्स एक्सपोजर था, और ये पर्टिकुलर जो प्रोफाइल है उसमें आपका एक्सपोजर ज्यादा था, खुद ही स्मॉल बोलते तो फिर आपको एचआर, तो आपको एचआर को क्या प्रॉब्लम है, एचआर को तो थोड़ा आपको समझ में नहीं आता ना स्मॉल मिड साइज, ये एचआर का कॉल आपका शेड्यूल कराएगा बस, जो टेक्निकल इंटरव्यू होगा ना वो आपका काम खराब कर देगा वहां पर, मैं ठीक तो स्मॉल फॉर्म यूज है, मत मिड करिएगा, स्मॉल फॉर्म नहीं, क्या वर्ड है, साइज, मिड साइज फॉर्म था, गुड एक्सपोजर ऐसे करके, ठीक है। हम आज एक बार 5 बजे रखते हैं, तो 5 बजे ये स्टेट इंटरनल ऑडिट एक बार पकड़ता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह तो पढ़ के आइए थोड़ा सा, तो हम लोग फिर ले सकते हैं 5 से बजे एक बार, ठीक है, तो बी स्ट्रॉन्ग इन प्रिपरेशन ना, और रेजमे टेजमे हम देख लेगा आप लोगों, उसमें कोई नहीं है, अब जिसका 1 to 1 सेशन बाकी है वो हम ले लेगा, आज नहीं तो कल तक हम ले लेगा, रिसोर्स भी दे देगा, पर पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों को, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, ठीक, ग्रुप में फीडबैक दीजिएगा, पढ़ना जरूरी है।